हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खस्ता ट्रायंगल स्नैक्स रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कप मैदा। आप यहाँ पर गेहूँ के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 3/4 कप सूजी। इससे बहुत ही क्रिस्पी खस्ता और करारा बनेगा। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। अजवाइन डाल देंगे इसमें हम 1 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप यहाँ पर करायल या मगरेल भी डाल सकते हैं। मोइन के लिए हम डाल रहे हैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल। आप बटर भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से लड्डू फॉर्म में बनना चाहिए, जिससे बहुत ही खस्ता बनता है ये। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे, क्योंकि हम इसमें सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए, बहुत ही सेमी सॉफ्ट हमारा डो लगकर तैयार हो गया है। अभी हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए ऑयल लगाकर। तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और फिर ये सख्त हो जाएगा। तो इसे छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, आप आटे की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अच्छी तरह से ये टाइट हो गया है। नीट कर लेते हैं। आटे को हमने अच्छी तरह से नीट कर लिया है। अब इसे 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। अब इसे हम पतला पतला बेल लेते हैं, क्योंकि हमें इसके ट्रायंगल कट करने हैं। तो अच्छी तरह से पतली सीट बना लें। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसकी पतली सीट बना ली है। अब एक फोक की मदद से हम इसमें छेद कर देंगे, जिससे कि फ्राई करते समय बिल्कुल भी फूले ना। बहुत ही टेस्टी ये स्नैक्स बनता है। आप इसे स्टोर करके महीनों तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता। तो अच्छी तरह से हमने इसमें छेद कर लिए हैं। अब इसके हम स्क्वायर कट कर लेते हैं, जिससे कि हमें इक्वल पट्टियाँ मिल जाएं और सारे ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे दिखें। आप चाहें तो इसमें स्पाइसेस डाल सकते हैं, तो ये थोड़ा सा चटपटा और तीखा भी बन जाएगा। तो ये देखिए, हमने पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब इसके हम ट्रायंगल्स कट कर लेते हैं। आप यहाँ पर अपने मनचाहे स्क्वायर में या फिर जैसे चाहें वैसे कट कर सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये स्नैक्स सबको बहुत पसंद आता है। तो ये देखिए, हमने ट्रायंगल कट कर लिए हैं। इसी तरह से हम बाकी के ट्रायंगल्स भी कट कर लेते हैं। ये देखिए, आपको मेरे चैनल में बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये देखिए, हमारे ट्रायंगल तैयार हैं। तेल को हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म किया है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर गर्म ना रखें, नहीं तो ये अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगी और बिल्कुल कच्ची रह जाएंगी। इसलिए हमें इन्हें खस्ता और करारा बनाना है, जिसके लिए तेल का टेम्परेचर लो टू मीडियम रहना चाहिए। तो सभी को हम डाल देंगे और अच्छी तरह से इन्हें हम क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। बिल्कुल गोल्डन कलर आना चाहिए इसमें। तो हमने इसमें काफ़ी सारे डाल दिए हैं। अब इसे फ्राई होने देते हैं। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल भी हाई ना करें, नहीं तो ये क्या होंगे कि सॉफ्ट हो जाएंगे, पुड़ियों जैसे हो जाएंगे। तो खस्ता करारा बनाने के लिए गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखें और कंटिन्यू इसे इस तरह से पलटते हुए हमें चलाते रहना है। तो इन्हें फ्राई कर लेते हैं गोल्डन होने तक। ये देखिए, अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही गोल्डन कलर इनमें आया हुआ है। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी खस्ता करारे ट्रायंगल स्नैक्स। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले।